आज बहुत भीड़ है मंदिर में, और ये बिक्की भैया लाइन में लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है पूजा, अभी पहले घर के मंदिर में पूजा होगी, देन उसके बाद हम सब पूरा परिवार जाएंगे गैराड मंदिर, फिर वहां पे होगी बड़ी पूजा, एंड फिर हम वो दिखाएंगे आपको। देखिए भैया इधर देखो, हाय बोलो। तो हम लोग जाएंगे अभी स्कूटी में, मतलब सब अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं मंदिर तक। रेट तो बहुत बढ़ गया भाई, रेट और ये हम चले मंदिर की तरफ। A few moments later. तो यहाँ पे भी खाना बन रहा है, और ये नेहा आटा गूंद रही है, और इसने यहाँ कुआं बना दिया एक, और ये मम्मी ने पानी डाल दिया। आप लोग भी अगर आटा गूंदते टाइम कुआं बनाते हो तो बहुत सही, क्योंकि यही तरीका है आटा गूंदने का। आज बहुत भीड़ है मंदिर में, और ये बिक्की भैया लाइन में लगे हुए हैं। पूरियां तो मम्मी और भाभी बना रहे हैं, तो तब तक मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ, जो कि आपने वैसे भी ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आज एक और बार गोलू देवता का मंदिर। खूबसूरत सी लोकेशन, इतने हरे भरे पेड़, तो हम रील्स ना बनाए, मतलब ट्रांजिशन वीडियो बना रहे हैं, रील्स ही मान लो। तो अभी हम बना रहे हैं नेहा की रील्स। नेहा की वीडियो बनाते बनाते मेरे इतने सारे कांटे लग गए। इधर मंदिर में आज बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़। आजा आजा अच्छे से आना, वो यहाँ ये बहुत खतरनाक है, इसमें लगती है। हाँ आजा, अबे ये क्या था, मुझे डर लग रही थी, ऐसा लगा तो ऐसे आगे चल के आई, ऐसा लगा मैंने हाथ से रोक लिया। और है नेहा, नेहा लाइन में लगी हुई है, और ये आ गई। अब अच्छे से आना प्रॉपर, ये तो फिर ऐसे आ गई। अरे तेरे पैर पहले पहुंच जा रहे हैं। तो नेहा की रील्स वगैरह बन गई है ट्रांजिशन वीडियो, और नेहा तेरी वीडियो में दिखा सकती हूँ अपने यूट्यूब में, है अच्छी आएगी तो दिखा देंगे, तो आप देखो तब तक।
नवरात्रियों की वजह से भी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग आए हैं और हमारी पूजा हो गई। अब हम जा रहे हैं घर को, गाँव पूजा हो गई डन, अब हम जा रहे हैं घर को। मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैंने कैसे बनाया है, मतलब मैंने छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह शूट कर ली हैं, मैं उनको जोड़ के लगा के अपलोड कर दूँगी, तो बस देख लेना। यार ये सनलाइट बड़ी मस्त आती है फेस पर, इधर देख। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब पूजा तो थी जैसे हमारी पूजा थी वैसे और जैसे हमारी पूजा थी वैसे और लोगों की भी पूजा थी, लेकिन नवरात्रि की वजह से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत भीड़ थी। दोस्तों ये पत्ता देख रहे हो, इसमें ना कांटे दिख नहीं रहे हैं लेकिन होते हैं। और कल घर जाते टाइम मुझे इतना गंदा लगा ना, मतलब मैं ऐसे लहराते लहराते चल रही थी और उंगली में इतनी तेज लगी ना, अभी तक उसमें जलन हो रही है, इतना तेज है ये पत्ता। कितना प्यारा रास्ता है यार, और ये पहाड़। वैसे गांव तो सारे अच्छे होते होंगे ना, कमेंट करके बताना आपका गांव कितना प्यारा है और आपको अपने गांव से कितना प्यार है। मेरा गांव बहुत अच्छा है, व्यू लोकेशन एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, बस रोड नहीं आई इधर, रोड आ जाएगी तो गाड़ियां भी चलेंगी नीचे तक। अभी पैदल जा रहे हैं हम तो गाड़ी में जाएंगे, और मैं भाग के जा रही हूँ क्योंकि सब चले गए, मैं अकेले हूँ पीछे, व्लॉगिंग करनी थी मेरे को इस वजह से, तो अब चलते हैं भागते हुए। तो भागते भागते आ रही थी क्या? नहीं तो इतनी जल्दी आगे कैसे पहुंच गई? क्योंकि बलहान है ना। The next day. पूजा तो हो गई समाप्त, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर अल्मोड़ा, तो देखो हमें कितना दूर जाना है। तो आप लोगों को वाइट घर दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना है हमें, यहाँ पर मेन रोड है और ये वाला जो वाइट घर है यहाँ पे स्कूटी पार्क है, तो इसके बाद हम जाएंगे अल्मोड़ा, फिर वहाँ से स्कूटी लेकर के अल्मोड़ा। और कितनी तेज धूप आई है, बहुत आलस आ रहा है धूप में। 2 hours later. आते टाइम तो मैं खाली आई थी लेकिन जाते टाइम सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है और ये बहुत ज़्यादा भारी भी हो रहा है, तो हम ऊपर तो आ गए। एक्चुअली क्या है ना, नीचे घर से मेन रोड में आना इतना टफ नहीं है, लेकिन जब तुम ट्रैक करते हो और तुम्हारे पास कोई हैवी सामान हो, बैग वगैरह हो, तो थोड़ा टफ हो जाता है ट्रैक करना, तो बस वही सीन है, सांस वगैरह फूल जाती है। और अभी स्कूटी लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।